आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। इस कोरोना में घर पे रहिए और अपने स्टडी को जारी रखिए, और हम लोग आप लोगों के लिए भरपूर मेहनत करेंगे, आप लोग निश्चिंत रहें। तो ज्यादा देर न करते हुए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में स्टडी किए थे कि साइंस क्या है और उसके ब्रांचेस के बारे में, और पार्टिकुलरली केमिस्ट्री के बारे में हम लोग देखे थे। केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है और इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, केमिस्ट्री है क्या, किसके बारे में अध्ययन होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, केमिस्ट्री विज्ञान का वह शाखा है जिसमें पदार्थों के बारे में पढ़ना होता है। पदार्थों के बारे में क्या क्या पढ़ना होता है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, संरचना के बारे में, कंपोजिशन के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में, और प्लस में साथ में उसके रिएक्शंस और उसके चेंजेस के बारे में हम लोगों को पढ़ना था। और जैसा कि हम लोग स्टार्ट किए थे, उसमें टॉपिक लिखे थे लास्ट में जाते जाते कि हम लोग अगली क्लास में एलिमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टडी करते हैं, अपने महफिल को लगाते हैं एलिमेंट। एलिमेंट हिंदी तत्व होता है। जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अभी तक प्राप्त या ज्ञात तत्वों की संख्या जो है एलिमेंट्स का, अभी तक टोटल नंबर है 180। एक सिंपल फॉर्म है किसका, एक ही प्रकार के एटम से बने हुए को हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। ये आपका, इसको हम बोल सकते हैं, इसे ना ही तोड़ा जा सकता है केमिकली रूप से, एकदम सिंपलेस्ट होता है। तो हम लोग इसका डेफिनेशन क्या रख सकते हैं, जरा सोचिए। तो हम लोग लिखेंगे डेफिनेशन के रूप में कि एन एलिमेंट, चलिए लिखते हैं आपके सामने, देखिए। जैसा कि आपको सामने हमने लिखे कि एन एलिमेंट इज अ प्योर एंड केमिकली सिंपलेस्ट सबस्टांस। एलिमेंट एक शुद्ध और रासायनिक रूप से सरलतम तत्व है, पदार्थ है, जो कि तोड़ा नहीं जा सकता, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाई यूजिंग केमिकल मीन्स। केमिकल मीन्स यानी डेट मीन्स रिएक्शन, यानी केमिकली प्रोसेस के द्वारा हम लोग बोल सकते हैं ये केमिकली प्रोसेस, ठीक है। तो एटम हुआ हम लोगों का, अब आप लोग सोच रहे हैं कि एटम क्यों बोले। एटम इसलिए बोले क्योंकि एटम से ही, एक ही प्रकार के एटम से मिलकर के बना हुआ है। ये मान लीजिए कोई तत्व है, तो इसमें जो एटम है, जो प्रवृत्ति इसका होगा वही प्रवृत्ति इसका भी होगा, यानी एक ही प्रकार के एटम से मिलकर के बना हुआ है। एक एलिमेंट में बहुत सारे एटम्स का योगदान होता है। यानी आपने क्या समझा कि ये मेरा एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट जो होता है एटम से मिलकर के बना होता है, डेट मीन्स एटम जो है आपका उससे छोटा हुआ, और ये क्या हुआ, एलिमेंट आपका इससे बड़ा हुआ। यानी हम लोग एटम के बारे में पढ़ेंगे तभी तो एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं एटम के बारे में, एटम है क्या। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, एटम का इसको तोड़ेंगे दो भागों में, जैसा कि ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है ए प्लस टॉम। ए का मतलब होता है नो या नॉट, टर्म का मतलब होता है डिविजिबल,
ठीक है। ए आपका सरफिक्स है, अब देखिए ध्यान से, जो तोड़ा ना जा सके, जो अविभाज्य हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परमाणु बोलेंगे, परम अणु यानी अल्टीमेट पार्टिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हम बोल सकते हैं इसको एटम ही जो है जो कि अल्टीमेट पार्टिकल है। ठीक है, अब आइए देखिए, हम लोग अपने अध्ययन के लिए एटम को भी छोटे छोटे भागों में तोड़े हुए हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं किसी भी एटम को, किसी भी एटम को हम लोग मुख्यतः तीन भागों में तोड़ते हैं। इसका कंपोनेंट है E फॉर इलेक्ट्रॉन, C फॉर प्रोटॉन, N फॉर न्यूट्रॉन। जैसे कि ये कैपिटल N तो नहीं होगा, स्मॉल N होता है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे हो कि E के पावर माइनस क्यों है, क्योंकि निगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज रखता है इसलिए ये निगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखता है और न्यूट्रॉन बेचारा इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये चार्ज विहीन होता है। अब देखिए इसको हम लोग इरेज करते हैं, रही बात इलेक्ट्रॉन की, उसके बाद रही प्रोटॉन की, उसके बाद रही न्यूट्रॉन की। चलिए जरा देखते हैं, इसको हम लोग E माइनस से सूचित करते हैं, इसको हम लोग P प्लस से सूचित करते हैं, इसको N जीरो से सूचित करते हैं। ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा कैमरा वर्क करना बंद कर दिया था, टेक्निकल इशू था, अब सही हो गया। देखिए हम आपको बता रहे थे एलिमेंट, एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन को सूचित करने के लिए ई से सूचित करते हैं हम लोग, सूचित मतलब इंडिकेट, इंगित करते हैं। अब प्रोटॉन को पी प्लस से, न्यूट्रॉन को एन जीरो से। आपको पता है इनकी खोजकर्ता के बारे, खोजकर्ता के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन का खोज जे जे टॉमसन ने किया था, टॉमसन है, और आपको पता होना चाहिए कि 1.6 मल्टीपल 10^-19 कूलम होता है 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू। ओके, अब आइए देखिए प्रोटॉन, प्रोटॉन ये हम लोग बचपन से कंफ्यूज होते आ रहे हैं, आज तक कंफ्यूज होते जा रहे हैं। देखिए तो अर्जिन गोल्ड स्टीन जो थे ना, इनको हम लोग शॉर्ट में ई गोल्ड स्टीन भी बोल देते हैं। ये सबसे पहले इन्होंने ही इसका इवेंट किया था, पर नाम नहीं लिए थे। कब ये थे, 1886 में। पर कुछ वर्षों बाद अर्नेस्ट रदरफोर्ड आते हैं और उन्होंने इसका नेम दिया, जिसका नेम इन्होंने रखा 1970 से लेकर के 1920 के बीच में। ओके, और आप लोग जानते हैं कि न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे, तो हम लोगों के बचपन के दिनों में हम लोगों के सर जो थे तो कुछ इस तरह से बताते थे, हिंदी में है ईट पर नाचे गोपी। देखिए हम लोगों को कुछ कुछ ना ट्रिक की मदद से सीखना चाहिए, उससे होता क्या है ना कि भूलता नहीं है जल्दी, भूल जाने के बाद भी याद आ जाता है। जैसे ई फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, तो जे.जे. टॉमसन ने किया। ठीक है, पी फॉर प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का खोज किसने किया, तो आपको पता है यहां पर रदरफोर्ड आ जाता था। देखिए एन फॉर न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, तो जेम्स चैडविक ने किया। और देखिए यहां पर पुनः आता है प्रोटॉन, अब यहां पर फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाते थे, तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नामकरण
रदरफोर्ड ने किया खोज, गोल्ड आइंस्टीन ने किया, और आपको पता है गोल्ड आइंस्टीन पी फॉर प्रोटोन। ठीक है, तो आई होप इसे आप समझ गए होंगे इसे खोजकर्ता और इसके बारे में। अब आइए देखते हैं आगे की चीजें। ऐसे मैं इरेज कर रहा हूं, मैं तीन तक गिनूंगा, तीन। अब देखिए हम लोग एटम के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले रहे थे, तो थोड़ा सा एटम ही पढ़ेंगे, बिकॉज एलिमेंट जो है ना एटम का ही एक तरह से कहिए सक्सेसर है। अब आइए देखते हैं, एटम बेसिकली स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है, इसमें अलग अलग सेल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। तो देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे कि अभी हम लोग पढ़े इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो जरा देखिए इलेक्ट्रॉन को E- से सूचित करते थे, प्रोटॉन को P+ से, इसको N0 से। तो देखिए बेसिकली इसमें यही इसी का यूज है। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है ना, अलग अलग कक्षाएं में अलग अलग उनकी ऊर्जाएं होती हैं, और उनके थ्रू वो उसके चक्कर लेते रहते हैं, किसके, तो न्यूक्लियस के, नाभिक के। नाभिक में क्या क्या होता है, या तो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ये दोनों होते हैं। ठीक है, और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं, इन्हीं की संख्या को बोलते हैं एटॉमिक वेट। अच्छा, वेट और मास में अंतर आप लोगों को पता है कि नहीं, व्हाट मीन डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। देखिए किसी भी बॉडी में, नहीं मालूम है तो मेरे से सुन लीजिए, किसी भी बॉडी में, किसी भी चीज में, ठीक है, किसी भी वस्तु में या किसी भी पदार्थ में उपस्थित, उसमें उसकी कंटेनिंग यानी उसका कैपेसिटी क्या होता है, ठीक है, उसमें कितना ये है, उसके अंदर मात्रा है, उसको बताने के लिए हम लोग मास बोलते हैं। और उसी मास में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स शामिल कर दिया जाए उसे वेट बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं ये क्या इलेक्ट्रॉन इसी चक्कर इसी सेल में चिपक लेते हैं, नहीं, ये हटते भी हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्याग करने की क्षमता को, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं जरा, और आप लोगों को पता होना चाहिए, ये तो आप समझ में आ गया आप लोगों को, आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक से लेकर के 30 तक मिनिमम एलिमेंट आपको मेमोराइज होने चाहिए, याद होना चाहिए, एक से लेकर के 30 तक। अगर नहीं याद है तो आप उसे याद कीजिए, कुछ मैं यहाँ पर लिखा देता हूं और उसे आप लोग मेमोराइज कर लीजिएगा। जैसा कि हाँ, तो मैंने लिख दिया है और इसे आप देख लीजिए कैसे इसको याद रखेंगे, कैसे इसे पढ़ेंगे, समझेंगे कैसे, उसे भी देखिएगा। जैसे कि H11 ऐसे लिखा गया, ये आपका एटॉमिक नंबर हुआ, ये आपका एटॉमिक वेट हुआ। ठीक है, अब देखिए ये हाइड्रोजन होता है, हीलियम 2-4 संकेत HE, लिथियम Li-3-7, बेरिलियम 4-9 Be होता है, बोरॉन B-5-10 होता है, कार्बन C-6-12 होता है, नाइट्रोजन 7N-14 होता है, ऑक्सीजन O-8-16 होता है, फ्लोरीन इसका एटॉमिक नंबर होता है 9, संकेत F, और इसका एटॉमिक वेट होता है 19, और आपको पता है नियोन Ne-10-20। देखिए इसका याद करने का तरीका, जिसको मैं मार्क लगा रहा हूं उसे आप ध्यान दीजिएगा, एक मैंने इस पर मार्क लगाया और एक मैंने इस पर मार्क लगाया और इस पर मार्क लगाया। देखिए हाइड्रोजन 1-1 ये तो है ही, इस पर तो सभी को याद है, लेकिन आप देख पा रहे हैं हीलियम 2-2 = 4, 5-2 = 10, 6-2 = 12, 7-2 = 14, 8-2 = 16, 10-2 = 20। तो ये क्या है, इसका ट्वाइस है इसके एटॉमिक नंबर का, इसका एटॉमिक वेट। ठीक है, जबकि जिस पर मैंने मार्क लगाया है वो आप देख पा रहे हैं क्या है, Li, यानी लिथियम है L लिखाता है, हमने इसे 7 कर दिया, ये इसका उल्टा मैंने कर दिया 7 हो गया, तो इसका एटॉमिक वेट निकल गया। अब ये देखिए
याद करने का तरीका, ये होता नहीं है, मैं पहले बोल दे रहा हूं, ये क्या है बी ई, लास्ट में ई है, तो ई को मैंने ऐसे कर दिया 9, ठीक है। और यहां पर देख रहे हैं ये 19 है, तो 19 को मैं ऐसे कर दिया, 19 हो गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसे इसे हम लोग बहुत सारी चीजों को गेन कर सकते हैं। पहला नंबर इसका एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक, आइसो प्रोटोनिक, ठीक है, जो कि पिछले क्लास में आपको आप लोगों को मैंने बता दिया है। ये सब के बारे में भी यहां से नंबर निकाला जा सकता है। उसी तरह सोडियम का है, ठीक है, ऑड में देखिए 1 जोड़ा हुआ है, 11 2 22 1 23, ये इसका ट्वाइस है। इसमें देखिए 2 का मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ा हुआ है, यानी 13 2 26 1 27। अब देख रहे हैं 15 2 30 1 31। उसी तरह यहाँ पर क्लोरीन में 17 2 34, पर यहाँ पर 1.5 जुड़ा हुआ है, 1.5 एक्स्ट्रा हो गया है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं आर्गन 18 का क्या होता है, 40 अप्रोक्सीमेटली लिखा जाता है, लेकिन हम लोग लिखेंगे इसे, और ये होता ही है 19.9, ये जानबूझ के लिखा गया, क्यों, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर 39.9 40, ये तीनों एक ही नियरेस्ट होता है, इसीलिए ये मैं एक्यूरेट लिख दिया हूं। यहाँ पर है स्कैडियम 21 नंबर पर आता है, टाइटेनियम 22 नंबर पे आता है, वेनेडियम 23 नंबर पे आता है, क्रोमीन 24 पर, मैग्नीज 25 पर, आयरन जिसको फेरिक बोलते हैं 26 पर, कॉपर जिसको हम लोग 27 पर, 28 पर क्या निकेल, 29 पर क्या कॉपर, और सॉरी ये कोबाल्ट है, और 30 पे क्या है जिंक। ये आप लोग याद कर लेंगे, ज्यादा बेटर होगा। और आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इसमें न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या को गेन कर पाएंगे, ठीक है। तो उसे देखने के लिए मैं इसे इरेज करता हूं, मैं 3 गिनूंगा और इरेज करूंगा, 3। हो गया। अब आइए देखते हैं कि मान लीजिए सपोज डेट में किसी तत्व का नाम नहीं लिखूंगा, किसी भी एलिमेंट का नाम नहीं लिखूंगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को सब कुछ बता करके जाऊंगा। देखिए ध्यान से, जैसे कि मान लीजिए कोई तत्व एक्स है, जैसे कि हमने वहां पर लिखा था, क्या लिखा था, सही पकड़ा आपने, एटॉमिक नंबर, यहां पर एटॉमिक वेट। तो मान लीजिए एटॉमिक नंबर को हम लोग मानना क्या है, यहां पर संख्या होती है, इसको हम लोग जेड से सूचित करते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं जेड, Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, A इज इक्वल टू एटॉमिक वेट, E इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, P इज इक्वल टू प्रोटॉन, और N इज इक्वल टू न्यूट्रॉन, ओके। अब देखिए ध्यान से, तो मान लीजिए सपोज डेट यहां पर लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर Z और यहां पर A, तो ये कैसे याद रखेंगे, कैसे निकालेंगे। देखिए इन्हीं दो से हम लोग एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लेंगे, और साथ ही साथ आप ये भी जान पाएंगे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, आइसो प्रोटोनिक क्या होता है, आइसो न्यूट्रॉनिक क्या होता है, आइसो बार क्या होता है, आइसो मेरिज में हम लोग आगे है वो चैप्टर 4 में है, कार्बनिक कंपाउंड में है, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। लेकिन यहां पर ये देखिए, तो देखिए ध्यान से हम लोग जरा ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे, ठीक है। ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे, तो आप याद रखेंगे, मैं एक लाइन लिखने वाला हूं, आप उसे याद कर लें, क्या हुआ, क्या लिखा हुआ है, हाँ पढ़ तो रहे हैं सही, पैरों में पेज है, पेज का मतलब पी पर प्रोटॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, जेड फॉर एटॉमिक नंबर, और ये तीनों आपस में क्या होते हैं,
बराबर होते हैं। डेट मीन्स आपने क्या जाना कि अगर आपको नंबर दिया हुआ है एटॉमिक नंबर, तो आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या यूं ही बता सकते हैं, और आपको एटॉमिक वेट तो याद ही होगा उसमें। अब याद रखिए, सभी को अपने जीवन का भार कहाँ होता है, सर पे होता है, तो सर पर क्या है, वेट है। तो आपको पता है कि जब आप इस सर पे वेट हो और वेट में से पैर को घटा देते हैं तो हम लोगों का एटॉमिक नंबर होता है, या इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, सभी एटम को या अपने आप पर सभी को क्या होता है, नाज होता है ना। हाँ जी बिल्कुल, नाज होता है। उसको आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि सभी एटम को अपने आप पर क्या होता है, नाज होता है, NaZ। आपको निकालना क्या है जी, एन, एन इज इक्वल टू लिखेंगे ये। अब देखिए ये तो हम बताए आपको, लेकिन बहुत सारी किताब्स में ये नहीं दिए हुए हैं, बुक्स में नहीं दिया हुआ है, तो कैसे आप जानेंगे। तो आप जानते हैं जहां पर जेड है वहां पर ई भी लिख सकते हैं, जहां पर ई लिख सकते हैं वहां पर पी भी लिख सकते हैं। डेट मीन्स यहां से और निकाल सकते हैं आप, एन इज इक्वल टू ए माइनस ई। आप कहेंगे ये क्या, हाँ जी सर सही तो लिखा गया है, सब आपस में इक्वल होता है। और देखिए एक और लिखा जा सकता है, एन इज इक्वल टू ए माइनस पी। इसी को हम लोग अलग फॉर्म में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए इज इक्वल टू एन प्लस पी लिखते हैं। हाँ है ना, बिल्कुल जी सर। या इसको क्या लिखते हैं सर, तो लिखते हैं ना ए इज इक्वल टू न्यूट्रॉन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आप यहाँ पर एन स्मॉल लिखे तो अच्छा होगा, सॉरी यहाँ पे स्मॉल ही अच्छा रहता है। ये आप देखिए, आइए इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस देखेंगे, मैं तीन गिनूंगा और आप इसे उतार चुके होंगे तीन। देखिए आपके सामने मैंने फाइव क्वेश्चंस लिखे और ये आप ही निकालेंगे, मैं सिर्फ एक को बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला देखते हैं। बोल देगा कि एक तत्व एक्स है जिसका परमाणु संख्या तीन है। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द एलिमेंट, यानी तत्व का नाम क्या है। पहला नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ एलिमेंट, इस एलिमेंट का नाम क्या है। दूसरा बोला है कि व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का एटॉमिक वेट क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा, हाउ मेनी ऐसे ना लिखकर कैसे लिख देगा, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। देखिए और जेड एटॉमिक नंबर, ठीक है, और ए का वैल्यू तो ऊपर पूछा ही है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो आपको पता है यहां पर लिखा हुआ है थ्री, डेट मीन्स क्या हो जाएगा, इस एक्स का नाम होने वाला है, तीन नंबर पर आता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, क्या आता है वहां से, लिथियम आता है। इसलिए आप क्या लिखेंगे, लिथियम। इसे आपको याद रखना है, इसीलिए मैंने बोला कि 30 तक आप याद रखेंगे। अब आपको पता है लिथियम कितने नंबर पर होता है, थ्री नंबर पर। इसका एटॉमिक वेट कितना होता है सर, 7। तो इसलिए इसका एटॉमिक वेट यानी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 7 हो जाएगा। आपको पता है 7 हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, एक्स के जगह पर एल आई लिखा जा सकता है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है आपको, ठीक है। एल आई हो गया, तो आपको पता है पैरों में क्या होता है, पेज होता है, डेट मीन्स प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी,
थ्री हो जाएगी, जेड एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। और आपको पता है सर सभी एटम को अपने आप पर क्या होता है, नाज होता है, नाज। तो लिखिए ना नाज। और आपको न्यूट्रॉन निकालना है इसलिए एटॉमिक वेट कितना है यहाँ पर, सेवन है। तो सेवन माइनस थ्री कीजिएगा कितना आ जाएगा, फोर। तो ये क्या हो गया, फोर हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो दूसरा एग्जांपल देखिए। चलिए आइए देखते हैं। पहला मैंने सॉल्व कर देखा, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है एफ नाइन नाइनटीन, इसमें मुझे तत्व की संख्या दे रखा है, वेट भी दे रखा है, नेम भी दे रखा है। तो निकालने के लिए क्या बोला है, ए जेड पी एन ई, यही पांच को बोला है निकालने के लिए। तो आप जानते हैं सर पैरों में वही पेज पड़ा हुआ है, पेज आप जान रहे हैं पेज क्या है सर, पी का वैल्यू नाइन है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू भी नाइन है, जेड का वैल्यू भी नाइन है, एटॉमिक वेट का वैल्यू कितना है बाबू, नाइनटीन है। और आप जानते हैं सभी एटम को क्या होता है अपने आप पर, तो नाज होता है, नाज। देखिए नाइनटीन में से, नाइनटीन में से सर में से पाव को घटा दो, वेट कम हो जाएगा, पता चल जाएगा कि आपको अपने आप पर कितना नाज है। डेट मीन्स आपके नीचे से आपका सहारा हटा दिया जाए तब पता चलता है कि आपका वैल्यू क्या है। चलिए आइए देखिए आप कितने अपने आप पर डिपेंड रहते हैं, देखते हैं कितना हो जाएगा, टेन। तो आपको पता चला, तो ये जो रेस्ट क्वेश्चंस है बचा हुआ ये थ्री क्वेश्चंस आपको बनाना है। अभी ये खत्म नहीं होता है, इसके आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे अगर एफ माइनस हो जाए एल आई थ्री प्लस हो जाए, यानी आयन वाला आ जाए, आयन समझ तो रहे हैं ना, आयन टू टाइप्स के होते हैं, धन आयन ऋण आयन। धन आयन को कैटायन बोलते हैं इंग्लिश में, ऋण आयन को एनायन बोलते हैं। हाँ जी सर बिल्कुल, आइए देखिए। तो ये तीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए मेरी तरफ से होमवर्क होगा, और आप एच डब्ल्यू के रूप में लिख लीजिए और इसे बना करके कमेंट में जरूर कमेंट करें। अच्छा लगता है तो दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस चीज को जान जाएं। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चंस। देखिए ये टाइप टू क्वेश्चंस है, वो तो सिंपल सा था, इसमें आयन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। केमिस्ट्री जरा उल्टा चलता है, जो देता है ठीक है वो धन आयन हो जाता है, जो लेता है वो ऋण आयन हो जाता है। जैसे मेरे पास ज्यादा है मैं किसी को दे दिया, तो अपने में से कम करके मैं धनी बन गया उसको दे करके, और मेरे पास कम है तो उसे ले करके मैं उसका ऋणी बन गया, यानी ऋण आयन हो गया। तो वही कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा जो अपने दैनिक जीवन में आप लोग यूज करते हैं। देखिये जैसे कि F4 होता है फ्लोरीन, और फ्लोरीन का मतलब आप जानते हैं, क्या जानते हैं सर, इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, एटॉमिक वेट 19 होता है, एस और नो होता है ना। अब ये देखिए इसके ऊपर माइनस लगा हुआ है, तो जरा ध्यान रखिएगा उस बात को, मुझे कह रहा है कि वही चीज निकालना है, पी का वैल्यू निकालो, इलेक्ट्रॉन को भी वैल्यू बताइए, न्यूट्रॉन का भी वैल्यू मुझे बताइए, वेट और जेड। तो ये कुछ नहीं दे रखा था, सिर्फ ये दे रखा था, तो मुझे पता था इसलिए मैंने लिख दिया, ये एटॉमिक वेट होता है, और ये क्या होता है, तो आप समझ रहे हैं पेज, पेज का मतलब तीनों आपस में बराबर होते हैं, प्रोटॉन की संख्या 9, इलेक्ट्रॉन की संख्या 9, और वेट कितना होता है 9, और सॉरी नंबर कितना होता है 9, और वेट कितना होता है 19, और न्यूट्रॉन कितना होता है वहां से। तो आप कहिएगा सर सभी को नाज होता है, और सब में से ए घटा दीजिए, यानी 19 में से मैं 9 को डिलीट करूंगा तो 10। लेकिन जरा रुकिए, इतना ही नहीं होगा,
ये आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं। यहाँ पर तो एक इलेक्ट्रॉन का कर चुका है, दिया है कि लिया है सर, ऋणी हुआ है किसी का, किसका, किसी से लिया है, यानी इसके पास कुछ ज्यादा होगा। हाँ जी सर, ज्यादा होगा, किसी से लिया है तो ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए ये 9 नहीं होगा इलेक्ट्रॉन, इसके पास पहले से तो 9 था इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देख रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पर माइनस ला करके ये बता रहा है कि मैं किसी से लिया हूँ उधार, यानी उधार लिया है यानी अपने आप में शामिल किया है, तो शामिल का दोनों एक इलेक्ट्रॉन को माइनस को कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएंगे क्या? इसका इलेक्ट्रॉन की कितनी हो जाएंगी संख्या, 10। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी बनाए जाएंगे, जैसे कि देखिए यहां पर दिया है सोडियम Na, ठीक है, और प्लस, दैट मीन्स हुआ क्या, हम जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, एटॉमिक वेट होता है 13, और वही चीज पूछ रहा है ApNeZ का वैल्यू बताओ, तो हम लोग जानते हैं वेट कितना है सर, 23 प्रोटॉन, क्योंकि हम लोग जानते हैं सर पेज होता है ना पैरों में, पैरों में क्या होता है, पेज होता है सर, यहाँ पर देख पा रहे हैं 11 न्यूट्रॉन, देखिए तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सभी को अपने ऊपर क्या होता है, नाज होता है, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ए का वैल्यू कितना है 23, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना है 11, मैं सर से पांव को घटा दिया कि 22 इसकी स्टेबिलिटी होगी, बट आपका बना नहीं, सावधान यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो देखिए जरा ना, मेरे पास इलेक्ट्रॉन 11 था और ये अपने पास जितना था उसमें से दे करके धनी हो गया है, यानी किसी को एक दे दिया है, तो एक दे दिया है यानी इसमें से कम हो जाएगा, एक दे दिया तो कितना हो जाएगा, वहां से हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, बात समझ में आई कि नहीं, तो इसकी इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। अभी देखे ना, अभी हम लोग अगली क्लास में देखेंगे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, आइसो प्रोटोनिक क्या होता है, आइसो न्यूट्रॉनिक क्या होता है, आइसो बार क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे। और हाँ, क्लास आज हम यहीं पर बंद करते हैं, लेकिन ध्यान रहे आप कहीं भी इस कोरोना में न जाए, गैदरिंग से बचें, और हाँ मास्क का यूज जरूर करें, और हाँ यू आर इम्पोर्टेंट।